हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, रेसिप्रोकल मतलब होता है कि जो फ्रैक्शन आपका दिया गया है इसे हम उल्टा कर देंगे। दैट मीन्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्लियर? सो 3/7 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, तो 7/3 नीचे आ गया, तो 7/3 इसका आंसर हो गया। सेकेंड, 13/9 है, तो ये हो जाएगा 9/13, 9 ऊपर 13 नीचे लिख लेंगे। नाउ थर्ड, अब देखिए यहाँ पर ओनली 8 है, 8 के नीचे कुछ नहीं है। कुछ नहीं होने का मतलब 1 जरूर है, तो सो ये 1 ऊपर 8 नीचे आ जाएगा, तो इसका हम फ्रैक्शन लिख लेंगे 1/8। नाउ क्वेश्चन 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट मीन्स होता है कि वैल्यू फाइंड करने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, 14/5/6, तो हम लिख लेंगे 14 डिवाइडेड के जगह इनटू का साइन लेंगे, और जब आप इनटू का साइन लेते हो तो ये जो हमारा पार्ट है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 6 ऊपर चला जाएगा एंड 5 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख लेंगे 6/5। अब देखिए यहाँ तो कोई किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 14 × 6, क्योंकि 14 ऊपर है ना, 14 ऊपर के लिए, 14 के नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है जो कि मेंशन नहीं होता है, तो 14/1 है, ठीक है। तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 14 × 6, तो 14 6 होता है हमारा 84/5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, अब इसे हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 16/4/5 इज द आंसर। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज 5/3/4/7, तो पहले हम मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 5/7 3 = 21, 21 + 4 = 25, तो ये हो गया 25/7, तो इसका टू क्या बन गया, 5। डिवीजन का साइन है तो इसे इनटू में लिखेंगे, और जब इनटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो गया, तो ये हो गया हमारा 7/25। अब देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, डिवाइड हो गया, तो इसका टू क्या आंसर हुआ, 7/5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो अभी से हम अगेन क्या करेंगे, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 × 5 = 5 + 2 = 7, तो 1/2/5 इज द आंसर। क्लियर? द थर्ड वन इज 3/1/5 / 1/2/3, तो फर्स्ट इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 × 3 = 15 एंड 1 16/5 / 3 = 5/3, तो अब साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, तो 16/5 इंटू, जब इंटू किया तो ये पार्ट रेसिप्रोकल, तो 3 ऊपर एंड 5 हमारा नीचे आ गया, तो अब देखिए कोई डिवाइड तो हो नहीं रहा एक दूसरे से, तो 16 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 × 3 = हमारा क्या होता है, 16 × 3 = 48, तो ये हो गया 48/5 × 5 = 25। अब 25 से 45 को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 25 1 एंड ये बच रहा हमारा रिमाइंडर 23/25 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज फोर्थ है हमारा 2/5/8 / 1/1/6, तो फर्स्ट हम इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा हो गया 21/8, 8 × 16 + 5 = 21, 21/8 / 6 1 = 6 एंड 1 7/6, ठीक है। अब हम कर लेते हैं आगे, तो क्या लिखेंगे, 21/8 इंटू रेसिप्रोकल कर 6/7। अब देखिए 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 7 × 1 = 7 एंड 7 × 3 = 21। अब तो कोई डिवाइड नहीं होगा, तो इसको इक्वल टू 3 × 3 = 9 एंड ये हमारा 4 बच रहा है, तो 9/4 इम्प्रॉपर में आ गया, तो देन हम इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 × 4 = 8 एंड 1 = 9, 2/1/4 इज द आंसर। क्वेश्चन 3 इज हाउ मेनी पीसेज ईच 5 1/6 meters लॉन्ग कैन बी कट फ्रॉम अ क्लॉथ 77 1/2 meters लॉन्ग। पूछा जा रहा है कि टोटल क्लॉथ का लेंथ है 77 1/2 meters, इसमें से आप कितने पीस कट करोगे, है ना, और कितने लेंथ का कट करना है हमें, 5 1/6 meters, यानी कि एक पीस का लेंथ आपको रखना है 5/1/6 meter। तो 5/1/6 meters के हम कितने पीसेज कट कर सकते हैं 77 1/2 meter में से। क्लियर? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट तो जो गिवन है हम वो लिख लेंगे, तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ
is equal to m r as 77 whole 1 by 2 meter is equal to, तो फर्स्ट ये मिक्सड में है तो इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं. तो इम्प्रॉपर में करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 77 टू जार 154 प्लस 1 155 बाई 2 मीटर. ठीक है, अब लेंथ ऑफ वन पीस दिए रखा है हमें, है ना, वन पीस का लेंथ है तो हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ वन पीस इज इक्वल टू 5 होल 1 बाई 6 मीटर. तो इसे भी हम इम्प्रॉपर में कर लेते हैं तो 6 5 जा 30 प्लस 1 31 बाई 6 तो 31 बाई 6 मीटर. अब हमें नंबर ऑफ पीसेस पूछ रहा है ना, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है, टोटल लेंथ पता है और वन पीस का लेंथ मालूम है तो टोटल पीस तो आराम से निकल जाएगा, दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे. तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 155 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 31 अपॉन 6. तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हमारा इज इक्वल टू 155 बाई 2 इंटू, जब डिवीजन का साइन इंटू में लेते हैं तो क्या होगा, आगे का पार्ट रेसिप्रोकल, तो 6 बाई 31. अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे तो देखिए 2 वन जार 2, 2 3 जार 6, 13 वन जार 30, 13 एंड 13 5 जार 150. चेक कर लेते हैं, 5 वन जार 5, 5 3 जार 15. ठीक है, तो 13 5 जार 31 5 जार 155. तो क्या बच गया हमारा, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 मीटर, 15 है ना, पीसेज में हम बता रहे हैं ना, पीसेज निकाल रहे हैं तो 15 पीसेज ये हमारा आंसर हो गया. तो इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 15 पीसेज कैन बी कट फ्रॉम, टोटल लेंथ हमारा है 77 1 बाई 2 मीटर ऑफ क्लॉथ. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन 4 इज, बाई व्हाट शुड 4 होल 7 बाई 8 बी मल्टीप्लाई टू गेट 87 होल 3 बाई 4. तो देखिए हमें पूछा जा रहा है कि किस नंबर को आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसमें आप कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे जिससे कि हमारा आंसर ये आ जाएगा, है ना. तो क्वेश्चन हमारा क्या बनता है हम समझ लेते हैं. देखिए 2 गेट इतना, तो ये तो हमारा रिजल्ट है, तो रिजल्ट का मतलब इक्वल टू के बाद हमारा आना चाहिए 87 3 बाई 4 और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाइड करना है, मल्टीप्लाई का साइन, वन नंबर आप दिया इसमें कौन से नंबर, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हमारा पार्ट लिख लेते हैं 4 7 बाई 8 एंड ये नंबर हमें फाइंड करने हैं. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन रहा है, जो व्हाट नंबर मल्टीप्लाई टू 4 होल 7 बाई 8 इज इक्वल टू, ये आपका 7 है, ठीक है, यहाँ हमारा 4 है, इज इक्वल टू 87 होल 3 बाई 4, यही हमसे पूछा जा रहा है. तो रिक्वायर्ड नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, जो हमारा ये है ना रिजल्ट गेट टू गेट जो है इसमें हम इस नंबर को डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, तो हम लिख लेंगे 87 होल 3 बाई 4 डिवाइडेड बाय 4 होल 7 बाई 8. तो फर्स्ट तो इसे हम क्या करेंगे, मिक्सड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा 351 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय, ये हो गया हमारा 432 प्लस 739 बाई 8. अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, इज इक्वल टू 351 अपॉन 4 इंटू, ये पार्ट हमारा रेसिप्रोकल हो गया तो 8 बाई 39. अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे, 4 वन जार 4, 4 टू जार 8. ठीक है, अब हम 39 से को 9 से कर सकते, 139 9 जार 39 वन जार 39 एंड 39 9 जार 351. तो इस इक्वल टू क्या हो गया, 18 इज द आंसर. ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर 18, यानी कि आप यहाँ 18 जब लिखोगे, है ना, 18 इंटू 4 होल 7 बाई 8 जब हम करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 5 इज, इन अ होस्टल मेस ईच स्टूडेंट गेट्स 1 बाई 3 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, है ना, पर डे वन स्टूडेंट को 1 बाई 3 लीटर मिल्क दिया जाता है. इफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ द मिल्क इज 57 2 बाई 3 लीटर पर डे, ना पर डे 57 2 बाई 3 लीटर मिल्क का खर्च है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क ये हमारा है,
तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल, तो हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लियर? तो क्या करना है, इजी है, दोनों को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं कि कैसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए हमसे यहाँ पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, है ना। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स यानी कि हमने पहले ही सीखा, लास्ट वीडियो में भी समझाया आपको, जब क्वेश्चन में पूछा जाए वो हमारा इक्वल टू के बाद आता है। तो स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट्स इसमें हमें कहा जा रहा है, 1/3 लीटर कितने स्टूडेंट्स को मिल रहा है, ईच स्टूडेंट यानी कि 1 स्टूडेंट को, है ना। तो इक्वल टू के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 1 स्टूडेंट, ठीक है। ये सबसे पहले लिख लीजिए जिससे कि हमारा स्टेटमेंट इजी हो जाता है। अब देखिए 1 स्टूडेंट को क्या कहा जा रहा है, 1/3 लीटर मिल्क मिल रहा है, तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे 1/3 लीटर ऑफ मिल्क गिवन टू, है ना, ये ज्यादा दूर हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 स्टूडेंट गिवन टू 1 स्टूडेंट, क्लियर। अब हमसे पूछा जा रहा है टोटल मिल्क है 57, 2/3 लीटर ऑफ मिल्क पर डे का खर्च है। तो सबसे पहले 1/3 लीटर मिल्क गिवन है तो हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में 1 का निकालते हैं, तो हम 1 का निकाल लेते हैं पहले, 1 लीटर ऑफ मिल्क गिवन टू, तो कितने क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हमारा 1 स्टूडेंट है और ये 1/3 लीटर है, है ना। तो 1 लीटर का हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब 1 का हम निकालते हैं तो आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/3, यहाँ हम लिख लेंगे 1/3। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि आगे हम क्या करते हैं, तो इक्वल टू, ये तो फर्स्ट हमारा 1 के बाद हम क्या है डिवाइड कर रहे हैं, जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 1/3 है तो क्या हो जाएगा, 3/1 यानी कि 3 ऊपर आ गया, तो क्या हो जाएगा 1 × 3/1 इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स, क्लियर। कैसे हुआ समझ में आ गया, ये मैं आपको समझाने के लिए क्यों, डायरेक्ट आप 3 भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये 1 हमने यहाँ ले लिया एंड ये जो 1 के बाद हम डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं, डिवीजन के बाद डिवाइड को जब मल्टीप्लाई का साइन देते हैं उसके बाद का फ्रैक्शन हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1 ये डिवाइड हो गया हमारा, तो 1/3 तो ये रेसिप्रोकल हो गया, तो 3/1, ठीक है, तो इक्वल टू 3 × 1 = 3, नीचे की 1 की तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 लीटर ऑफ मिल्क हमने निकाल लिया और टोटल मिल्क हमारा ये है, है ना, टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क, तो अब 57 होल 2/3 लीटर मिल्क हम निकालेंगे, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 57 2/3, पहले इसे हम इम्प्रॉपर में लिख देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, इक्वल टू ये आपका हो जाता है 173/3 लीटर ऑफ मिल्क गिवन टू। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये तो हमारा 3 है, तो इस 3 में इसको 1 का जब हम निकालते हैं ना, 1 का जो आंसर होगा उस रिजल्ट में हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू, ये हमारा 3 स्टूडेंट, 3 × 170/3, यहाँ देखिए 3 से 3 रिड्यूस, तो 173 स्टूडेंट्स, क्लियर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज द कॉस्ट ऑफ 5 whole 1/4 kg एप्पल्स इज ₹840, वॉट इज द रेट ऑफ एप्पल्स पर के जी, पर के जी दैट मीन्स 1 kg का रेट हमसे पूछा जा रहा है, तो पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा रहा है, वॉट इज द रेट, रेट पूछा जा रहा है एंड इस सेंटेंस में रेट हमारा है ₹840। तो सबसे पहले इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हमने लिख लिया ₹840। नाउ इधर स्टेटमेंट लिखेंगे, तो इस फर्स्ट इस लाइन में देखिए 840 हमने लिख लिया, तो बच क्या गया हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 5 whole 1/4 kg एप्पल्स, तो यही हमने इधर लिख लिया है। तो हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ, आप कॉस्ट की जगह रेट भी लिख सकते हो, तो कॉस्ट ऑफ 5 whole 1/4, इसे हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसे हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, 5 × 4 = 20, 20+1 = 20, 1/4 kg एप्पल्स इक्वल टू ₹840। नाउ 1 kg का रेट पूछा जा रहा है, सो हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा 840/20 / 1/4 इज इक्वल टू। अब देखिए जब भी इस तरह से आपका सम है तो हम इसमें क्या करते हैं, ये 4 840 के पास आ जाएगा एंड 21 नीचे रह जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, सो हम लिख लेंगे 840 × 4/21। नाउ इसे रिड्यूस कर लेंगे तो 7 की टेबल से रिड्यूस हो जाएगा, तो देखिए 3 की टेबल से कर लेंगे 3 7 = 21,
नाउ 3 से 840 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जार 3 8 जार एंड ये 0। अगेन 7 से 280 डिवाइड हो जाएगा, 7 4 जार 28 एंड ये 0। नाउ 40 × 4 बच रहा है तो इज इक्वल टू रुपीज़, 4 × 4 इज 16 एंड ये 1 0 आ जाएगा तो रुपीज़ 160 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एरिया 68 होल 3/4 ए स्क्वायर मीटर इज 12 होल 1/2 मीटर, फाइंड इट्स विड्थ। तो यहाँ पे देखिए हमें लेंथ दिए हुआ है 12 होल 1/2 मीटर, ये लेंथ है एंड ये आपका एरिया है, तो हमें इसका विड्थ निकालना है। ठीक है, तो विड्थ यानी कि ब्रेथ निकालना है, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं इसे, तो फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेंगे, है ना। तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमारा क्या है, 68 होल 3/4 स्क्वायर मीटर, तो यही लिख लेंगे 68 होल 3/4 स्क्वायर मीटर। मिक्सड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है 275/4, ये 4 है आपका, अपॉन 4 स्क्वायर मीटर। एंड हमें लेंथ भी दे रखा है, तो लेंथ इज इक्वल टू 12 1/2 मीटर इज इक्वल टू 12 × 2 = 24 / 1 = 25। तो ये हमारा हो गया 25/2 मीटर। अब हमें फाइंड इट्स विड्थ पूछ रहा है ना, तो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू, अब देखिए जब हमें एरिया पता हो एंड लेंथ पता हो तो ब्रेथ इक्वल टू हो जाता है एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। ठीक है, तो ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ की जगह आप विड्थ भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। तो एरिया अपॉन लेंथ इज इक्वल टू, अब एरिया हमारा 275/4 एरिया हमने लिख लिया, अब अपॉन, तो ये हमारा अपॉन हो गया एंड नीचे लेंथ हमारा है, तो लेंथ हमारा है 25/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये देखिए ये हमारा एक एरिया, तो 275/4 डिवाइडेड बाई है, तो डिवाइडेड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन ले लेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, देन हम क्या होगा ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 ऊपर 25 नीचे, तो ये हो गया हमारा 2/25। तो अब हम इसे रिड्यूस करेंगे, तो देखिए 2 1 जार 2 2 2 जार 4 ये हम 5 से कर लेते हैं, 5 5 जार 25 एंड 5 से 275 5 5 जार अगेन 5 5 जार। ठीक है, अब क्या होगा 5 1 जार 5 एंड 5 11 जार 55। ठीक है, तो हमारा हो गया 11/2 इक्वल टू 11/2। तो अब इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 5 2 जार 10 एंड प्लस 1 11 5 होल 1/2 मीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 इज इफ द कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/2 के जी ऑफ सुगर इज 200 रुपीज 206 होल 1/4 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 होल 1/4 के जी ऑफ सुगर। तो अब लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/2 इज इक्वल टू, इसे मिक्सड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो गया इज इक्वल टू 11/2 के जी ऑफ सुगर इज इक्वल टू रुपीज 206 1/4 इज इक्वल टू, अब इसे भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा 825/4। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 kg सुगर, तो 1 kg निकालने हैं अब हमें, तो 1 kg जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इन्हें आपस में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो गया 825, तो ये लिख लेंगे 825/4 डिवाइडेड बाय 11/2 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्रैक्शन 825/4 डिवाइडेड है, डिवीजन है तो उस इंटू का साइन, और जब इंटू देंगे तो ये हमारा अगेन रेसिप्रोकल हो गया, तो ये हो गया हमारा 2/11। क्लियर। नाउ कॉस्ट ऑफ 8 होल 1/4 के जी यानी कि 33/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया ये, के जी ऑफ सुगर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, तो 33/4 इंटू हम किससे करेंगे, 1 kg के रेट से, तो 1 kg का कॉस्ट हमारा ये पार्ट है, तो लिख लेंगे 825/4 इंटू 2/11। अब इसे हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 2 1 जार 2 2 2 जार 4 एंड 11 1 जार 11 11 3 जार 33। क्लियर। तो अब हमारा क्या बच रहा है,
3 इंटू 825, तो 3 इंटू 825 ये हमारा हो जाता है 2475 अपॉन 2 इंटू 4 इज 8। अब 8 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रुपीज़ 209 एंड ये हमारा हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, सॉरी हाँ रुपीज़ 309 होल 3/8 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 9 इज रेनू कंप्लीटेड 2/3 पार्ट ऑफ हर होमवर्क इन 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स में वो 2/3 पार्ट होमवर्क कंप्लीट करती है। हाउ मच पार्ट ऑफ हर होमवर्क हैड शी कंप्लीटेड इन 1 होल 1/4 आवर्स। क्लियर, तो हम लिख लेंगे पार्ट ऑफ होमवर्क कंप्लीटेड इन 2 आवर्स इज इक्वल टू, तो 2/3 है ना, 2 आवर्स में वो 2/3 पार्ट होमवर्क कंप्लीट करती है। क्वेश्चन में हमें यही पूछ रहा है हाउ मच पार्ट, है ना, हाउ मच पार्ट यानी कि इक्वल टू के बाद हम पार्ट लिखेंगे, तो 2/3 पार्ट इक्वल टू के बाद हमने लिखा 2/3 पार्ट्स। क्लियर, तो 2 आवर्स का निकाल लिया, तो अब हम 1 आवर्स का निकालेंगे, तो 1 आवर का क्या हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लिख लेते हैं यहाँ 2/3 डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2/3, फर्स्ट तो हम 2/3 इंटू एंड 2/3 इंटू करने के बाद क्या होगा, 2 के नीचे क्या है 1, तो रेसिप्रोकल हो गया, तो ये हमारा बन जाएगा 1 ऊपर तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 2/6, है ना, 3 × 2 = 6, तो ये हमारा हो गया 2/6, 1 आवर में वो 2/6 पार्ट पड़ती है। देन पूछा जा रहा है कि 1 एंड 1/4 आवर्स में वो कितना कंप्लीट करती है होमवर्क, तो लिखेंगे पार्ट ऑफ होमवर्क कंप्लीटेड इन 1 होल 1/4, तो फर्स्ट इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो गया हमारा 5/4 आवर्स इज इक्वल टू, तो हो जाएगा हमारा 5/4 इंटू ये 2/6 1 आवर का, तो 2/6। अब यहाँ हम इसे रिड्यूस कर लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, अब तो कोई रिड्यूस होगा नहीं, तो इज इक्वल टू 5 × 1 इज 5/4, 3 = 12, तो 5/12 इज पार्ट्स इज द आंसर। थैंक यू।